मोहम्मद कैब साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इनका स्वागत है। प्रधान जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इनका दिल से स्वागत है। भाई सभी लोग बैठ जाएं, और जितने भी हमारे शायर हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ वो पराक्रम मंच पे आ जाए। भाई मोहम्मद कैफ यहाँ पर पहुँच गए हैं। भाई ये फित्ता बांध दिए, बांध दिए। मोहम्मद कैफ यहाँ पर पहुँच गए। भाई कैफ साहब के अलावा और बाकी के जो भाई हैं वो नीचे ही रहें। भाई मोहम्मद कैफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और भाई सभी लोग अपनी कुर्सियाँ आ गए। भाई साहब आ गए, आ गए कैफ साहब आ गए। कैफ भाई आ जाओ, आ जाओ। भाई हमारे कैफ साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं इनका दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक मिनट, स्वागत करता हूँ नौमान रजा। भाई कोई भी आदमी ऊपर ना चढ़े, प्लीज रिक्वेस्ट। भाई ये तो काम कैसे चल रहा है, तो आप एक मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो भाई, आपके और हमारे दिलों के अंदर बसने वाले आपके अजीज जनाब मोहम्मद कैफ आपके बीच में तशरीफ फरमा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखे शायर भी हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो स्टेज पर बैठने के बाद में बाकी जो है सामने हमने कुर्सियां लगा रखी हैं, पर प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से चलाने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि एक ऐसा मैसेज जाए। भाई आपके सामने बैठे तशरीफ फरमा हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मेहमान, हमारे दिलों में बसने वाले नौजवानों की धड़कन जनाब मोहम्मद कैफ साहब आ गए हैं, और मैं मोहम्मद कैफ साहब से कहूंगा आप लोग थोड़ी सी व्यवस्था, भाई आपके चाहने वाले लोग हैं, आपकी जाने मान जाएंगे। भाई तमाम लोग जितने भी नौजवान हैं सारे वहां बैठ जाए, मैं आपके लिए बहुत सारी बातें लिख के ले गया हूँ, आपसे बातें करनी है, अगर बातें सुननी है आपको। तमाम लोग कुर्सियों पर बैठ जाएं, कुर्सियां खाली हैं, प्रोग्राम अभी लंबा चलेगा, मैं यहीं मौजूद हूँ। तमाम लोग बैठ जाए, इधर जो खड़े हैं वो भी बैठ जाए, अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, इधर खड़े ना हो ऐसे। अब मैं गुजारिश करता हूँ अथर प्रधान राही साहब से और राही ग्रुप से, वो कैफ साहब का बुके देकर स्वागत करें। डॉक्टर नौमान रजा साहब जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है उनको यहां तक मैं डॉक्टर नौमान रजा साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए नौजवान दिलों की धड़कन और आपकी मोहब्बतों के तकाजे पर यहां पहुंचे मोहम्मद कैफ। प्रोग्राम शुरू होने से पहले अब एक इस्तकबालिया प्रोग्राम आपके सामने है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं तमाम नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूं कि वो परायक्रम कुर्सियों पर आ जाएं, प्रोग्राम आप ही का है। मोहम्मद कैफ भी आपसे गुजारिश कर चुके हैं, हम भी आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप थोड़ा सा, और आपके सामने हमारे एक ऐसे नौजवान साथी जिनको इस बहुत कम उम्री में अल्लाह ने बहुत इज्जतों से नवाजा है, अल्लाह ने मकबूलियत दी है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हम तमाम सुल्तानपुर की आवाम की तरफ से, आप लोगों की तरफ से मोहम्मद कैफ का इस्तकबाल करते हैं, और ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी मेहमान नवाजी का हक अदा करें और सुल्तानपुर की तहजीब को पेश करें कि वाकई सुल्तानपुर की आवाम और सुल्तानपुर का नौजवान ये तहजीब व तमद्दुन को जानता है।
तो मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि वो पराए करम कुर्सियों पर आ जाएं और भाई कैफ के लिए के हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। मैं इसी के साथ साथ अब अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और भाई मोहम्मद कैफ का इस्तकबाल करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले ग्राम प्रधान अतहर हसन राही से गुजारिश करता हूं कि वो बुके दे करके भाई मोहम्मद कैफ का इस्तकबाल करें। शादिक राजपूत और मुकीम राही साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं आए और यहां के जो प्रधान जी हैं उनको बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय प्रधान जी जावेद अली साहब वो भी आ जाएं और हमारे पूर्व विधायक जनाब हाजी तस्लीम साहब यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मोहम्मद कैफ को बुके देकर उनका स्वागत करें। हाजी मोहम्मद तस्लीम अहमद साहब, और मैं गुजारिश करता हूं एडवोकेट जावेद साहब से कैफ साहब को पगड़ी उड़ाकर उनका दिल से अभिनंदन और स्वागत करें। सम्मानित मंच और प्रधान जी से मैं गुजारिश करता हूं कि कैफ साहब को शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करें। डॉक्टर नोमान रजा साहब, ताहिर एडवोकेट साहब आए, हमारे बड़े भाई नोमान रजा साहब का पगड़ी उड़ाकर हमारे माननीय प्रधान जी उनका दिल से स्वागत करेंगे। ताहिर हसन जी, एडवोकेट ताहिर हसन जी, शाहनवाज भाई, डॉक्टर नोमान रजा साहब का, डॉक्टर नोमान रजा साहब का फिरोज भाई जहां कहीं पर भी हो आ जाएं और उनका दिल से अभिनंदन और स्वागत हमारे शाहनवाज भाई शॉल उड़ाकर करेंगे। तोशी भाई उनका दिल से स्वागत करेंगे। भाई तालियों में कंजूसी ना हो, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि क्या भाई यहां पर आ रहे हैं और इतना सन्नाटा छाया हुआ है, एक बार खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से क्या भाई का स्वागत करें। अब लगा के सुल्तानपुर की धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। तोशी पटवारी जी आए, तोशी शादिक भाई राजपूत का स्वागत करें, इस्तकबाल करें। शादी भाई और एक शॉल उड़ाकर हमारे सादिक साहब को सम्मानित करें। मुकीम भाई को एडवोकेट जावेद अली साहब शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। फिरोज भाई और वसीम भाई को शॉल उड़ाकर प्रधान अतर राही सम्मानित करेंगे। प्रधान अतर राही के लड़के मोहम्मद उमर उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे।
शादाब भाई का शोल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। मोहम्मद उमेर प्रधान जी के लड़के, भाई तालियों में कंजूसी ना हो। मुकीम भाई का शोल उड़ाकर एडवोकेट साहब सम्मानित करेंगे। जावेद अली साहब, हाशिम वसीम भाई, वसीम भाई हमारे गांव के डॉक्टर्स हैं और बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान भी हैं, तो वसीम भाई का एडवोकेट जावेद भाई शोल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे। मास्टर रमजान जख्मी साहब कैब भाई को शोल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। भाई तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। अब ये अब सभी मंचासीन लोग बैठ जाएं। माननीय विधायक जी श्री तस्लीम अहमद साहब आए और मोहम्मद कैफ का सोल उड़ाकर स्वागत करें। मोहम्मद कैफ लो, ये हमारे बुजुर्ग हैं विधायक जी, आपका स्वागत कर रहे हैं। भाई तालियों से स्वागत किया जाए। अब सभी लोग बैठ जाए, स्वागत का कार्यक्रम पूरा हो गया है। यह प्रोग्राम देश के अमर शहीदों की याद में रखा गया है और प्रधान अतर्राही हाजी मोहम्मद तस्लीम साहब का शोल उड़ाकर स्वागत करेंगे। शोल उड़ाकर स्वागत करेंगे। भाई तालियों में कंजूसी ना हो। और आज के मुशायरे के मेहमान जनाब आजाद अली साहब भी यहां पर पहुंच चुके हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आजाद भाई देहरादून से अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बस हमारे आजाद साहब आगे जो मेहमान है खुसूसी है इस प्रोग्राम के, जनाब आजाद अली साहब से मैं गुजारिश करता हूं वो मंच पर आ जाएं। यह प्रोग्राम देश के अमर शहीदों की याद में यहां पर रखा गया है और यहां पर समाये जो हैं वो देश के अमर शहीदों की याद में जलाई जाएंगी और यहां पर एक अमर जवान ज्योति है उसको हमारे माननीय सम्मानित मंच कैप साहब आजाद अली साहब प्रधान अतर राही साहब और जावेद अली साहब शाहनवाज साहब और ताहिर हसन साहब अमर जवान ज्योति जलाकर स्वागत करेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी आजाद अली साहब यहां पर पहुंच गए। भाई तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए इनका।
आजाद भाई देहरादून से चल के सुल्तानपुर की मोहब्बत में यहाँ तक पहुंचे हैं, इनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आजाद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ पराक्रम मंच पे आ जाएं। आजाद भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। प्रधान अतर राही साहब बुके देकर इनका स्वागत करेंगे। प्रधान अतर राही साहब, प्रधान अतर राही साहब, और पूर्व विधायक हाजी तस्लीम अहमद साहब आजाद अली साहब को बुके देकर उनका सम्मान करेंगे। विधायक जी शोल उड़ाकर हमारे माननीय आजाद अली साहब का स्वागत करेंगे, सम्मानित करेंगे। जावेद एडवोकेट जी शोल उड़ाकर आजाद भाई का सम्मान करेंगे और प्रधान अतर राही साहब बुके देकर स्वागत करेंगे। लाइट जला दे, स्टेज की लाइट। अब मैं गुजारिश करता हूं संपूर्ण मंच से, ताहिर हसन जी, आजाद अली साहब, अतर अली साहब और एडवोकेट जावेद अली साहब मोहम्मद कैफ को एक ये चित्र देकर उनका सम्मान करेंगे। माननीय मेहमान खुसूसी साहब, सम्मानित मंच, भाई तालियों में कंजूसी ना हो। हमारे भाई, छोटे भाई कैफ अली साहब और आजाद अली साहब अतर राही प्रधान जी जो हैं उनको चित्र देकर सम्मानित करेंगे। जावेद अली एडवोकेट साहब को हमारे दोनों चीफ गेस्ट सम्मानित प्रस्तुत कर रहे हैं, भाई तालियों में कंजूसी ना हो। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बड़े भाई डॉक्टर नोमान रजा साहब का बहुत बड़ा योगदान है और मैं अपने दोनों अतिथियों से, मुख्य अतिथियों से गुजारिश करता हूं डॉक्टर नोमान नजा को सम्मानित कर, भाई तालियों में कंजूसी ना हो। बहुत मेहनत है कैफ साहब को यहां तक बुलाने में इनकी, और आपके साथ जब भी जरूरत पड़े देहरादून में इनके दो दो हॉस्पिटल और क्षेत्र की जनता के लिए फ्री सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल है इनका। अब हमारी पूरी कमेटी, हमारे तीनों गेस्टों का शोल उड़ा, आजाद अली साहब सबसे पहले शोल उड़ा के इनका स्वागत करेंगे।
शीफ अली साहब आए और एक सोल उड़ाकर हमारे अतिथियों का सम्मान करें। और मैं कैफ साहब से भी गुजारिश करता हूं कि हमारे आजाद अली साहब बहुत ही नेक दिल इंसान है, इनका आप सोल उड़ाकर आप स्वागत करें। मोहम्मद उमेर साहब आए और हमारे अतिथियों का मालार्पण कर स्वागत करें, तीनों का, कैप साहब, आजाद साहब और तोशी भाई आए और सोल उड़ाकर स्वागत करें, माला अर्पण कर स्वागत करें। क्या भाई का माला अर्पण कर स्वागत करेंगे? और कोई रह रहा क्या? तोशी पटवारी जी माला अर्पण कर स्वागत करेंगे। और आप दोनों तोशी भाई स्वागत करेंगे। भाई तालियों में कंजूसी ना हो। चलो हाँ हाँ, अब समय आ गया है आजाद अली साहब को भी सम्मानित करने का। और मैं कैफ साहब और डॉक्टर नोमान नजा साहब और अधर राही साहब और जावेद अली साहब से गुजारिश करता हूं, कैफ भाई हमारे आजाद अली साहब को उनका ये चित्र देकर सम्मानित करेंगे। कैप अली साहब आजाद अली साहब को चित्र देकर उनका सम्मानित करेंगे। पटवारी ग्रुप कैप का स्वागत करेंगे। और शाहिद धनपुरे से जो आए हुए हैं मेरे भाई, वो कैप साहब का स्वागत करें। भाई मेरी आप अब्दुल मन्नान साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि भाई मोहम्मद कैफ का सोल उड़ाकर सम्मानित करें। भाई जी अब आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, आप भी आ जाओ साहब, प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये हमारे अब्दुल मन्नान साहब हैं, मन्नान साहब से गुजारिश करता हूं, हमारे जो मेहमान खुशी है आजाद अली साहब उनका स्वागत करें सोल उड़ा के और ये कैप उड़ा कर पगड़ी। प्रोग्राम भाई स्वागत का पूरा हो गया है। प्रोग्राम ये देश के अमर शहीदों की याद में था और आज के अमर शहीदों की याद में आजाद अली साहब से मैं गुजारिश करता हूं अब्दुल मन्नान साहब का सोल उड़ाकर सम्मानित करें और कैफ अली साहब का भी मैं वो करता हूं ये सम्मानित करें दोनों भाई। और अब मुशायरा शुरू हो रहा है, सभी हजरात बैठ जाएं। यह प्रोग्राम देश के अमर शहीदों की याद में है, अमर शहीदों की याद में एक समा रोशन हो रही है।
और हमारे अतीत आप बैठ के कर लो भाई। हाँ भाई एक मिनट बात आ जाए, ये समारोह रोशन करवाओ। एक समारोह रोशन देश के अमर शहीदों की याद में हो रही है और हमारे दोनों अतिथिगण कर रहे हैं। एक हिंदी और उर्दू की समारोहन करेंगे हमारे जो मेहमान खास हैं। अब्दुल मन्नान साहब माचिस करा दो बस, यहां कर दिया, ये हटा दे हाथ ही। प्रधान अधर राही साहब एक समारोहन करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता की। प्रधान अधर राही साहब जलाइए, और एडवोकेट जावेद अली साहब आपका नाम क्या है? ताहिर हसन एडवोकेट एक समारोहन करेंगे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के लिए। हमारे ये तीनों महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि डॉक्टर नोमान रजा साहब कौमी एकता के लिए समारोहन करेंगे। डॉक्टर नोमान रजा साहब और मुकीम भाई और वसीम भाई दोनों साथ में आएंगे। लगाओ बस। और कौन रहा है भाई? कोई सम्मान से बचा तो नहीं साथी? सादिक राजपूत और फिरोज भाई आए और एक समारोहन करें देश के अमर शहीदों की याद में। जलवो ये लिए आपके साथ जो देहरादून से समारोहन करवाने किसी नहीं रे कुछ नहीं अमर जवान को भी आप उन्होंने करा दिया। अब अमर जवान ज्योति जला रहे हैं हमारे दोनों चीफ गेस्ट, उनसे मैं गुजारिश करता हूं यहां पर आके अमर जवान ज्योति जलाएं। प्रधान अतर राही साहब ये अमर जवान ज्योति जलाई जा रही है सुल्तान की धरती पर पहली बार, और ताकि हमारे जो जवान हैं वो अमर रहे और उनकी अमरता अमर रहे। मैं अपने अतिथि गणों से गुजारिश करता हूं कि जो पहले तो मैं मोहम्मद कैफ साहब से गुजारिश करता हूं वो आए और प्यारी प्यारी सी जनता को
अपना आशीर्वाद स्वरूप अपने शब्द करें। यहाँ पर हमारे डिप्टी कमिश्नर विजय दरोनी साहब आए हैं। मैं तो एडवोकेट जावेद अली साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर विजय कुमार द्रोणी साहब को सम्मानित करें। ये वर्तमान में कैब भाई डायरेक्टर हैं। एक और हमारे कैब भाई भी आपको तालियों से स्वागत हो। आपके बीच में आईएएस ऑफिसर्स खड़े हैं और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है भाई, और सेना परिवार से गाजियाबाद से विनोद कुमार जी आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आए और हमारे कैप साहब और हमारे दो आजाद अली साहब उनको सम्मानित करेंगे। साथ में उनकी बीवी भी है सविता सिंह समा, इनको सेना परिवार की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। सविता समा जी, इनको सेना परिवार की ओर से हमारे कैप साहब और आजाद अली साहब सम्मानित कर रहे हैं। सविता सिंह समाजी आए, एक एक उनके लिए दो। एक और हमारे बड़े भाई कैप साहब, इनको सम्मानित करेंगे सेना परिवार की ओर से। भाई तालियों में कंजूसी ना हो, बस अब स्वागत का पूरा प्रोग्राम हो गया। अब होना है उद्घाटन, और उद्घाटन के लिए हमारे दोनों चीफ गेस्ट आए और एडवोकेट जावेद अली साहब आए और उद्घाटन करें। हमारे अब्दुल मन्नान साहब भी आए, डॉक्टर नोमान मेजा साहब आप भी आए, और माइक वाले भाई जैसे ही फित्ता कट जाएगा फुल आवाज में राष्ट्रीय गान बजा देना, और जैसे ही राष्ट्रीय गान बजेगा सभी भाई साइलेंट खड़े हो जाएंगे। और राष्ट्रीय गान पे सभी लोग खड़े हो जाना, और यह जिम्मेवारी मैंने एडवोकेट जावेद अली साहब को दी है, और सभी लोग वो करेंगे। हिंदुस्तान, राष्ट्रीय गान शुरू किया जाए। भाई राष्ट्रीय गान के समय कोई भी नहीं अवधान होगा, जरा सा भी मुशायरा मीडिया लखनऊ से कवरेज करने के लिए आई है, और यह है सदियों तक जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।